अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वक्तन फवक्तन मुझे आप लोगों की रिक्वेस्ट आती रहती है कि बाथरूम में सेम के ट्रीटमेंट के लिए जो केमिकल मैंने लगाया था उसका क्या रिजल्ट है। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बिफोर एंड आफ्टर वीडियोस दिखाई तो हैं, लेकिन लोगों को आमतौर पर ये गुमान रहता है कि सेम है, आखिर दोबारा नमूदार हो जाएगी। तो बिलाल भाई, वक्तन फवक्तन दिखाते ही रहिए कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं। ये वीडियो इस लिहाज से स्पेशल है क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट है। अब तक मैंने 4 महीने गुजरने के बाद का आपको रिव्यू दिया था, अब मैं 5 महीने गुजरने के बाद आपको अपने वॉशरूम की दीवारें दिखाता हूँ। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बाथरूम में केमिकल लगाया था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ये उसका थंबनेल है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। मैं ना सिर्फ आज आपको वॉशरूम अंदर से दिखाऊंगा, बल्कि आज मैं आपको दीवारों का क्लोजअप भी दूंगा। जी हाँ, क्लोजअप मैंने आज तक अपनी पिछली किसी भी वीडियो में नहीं दिया, तो मैं वो क्लोजअप भी आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, एक और चीज आपको मैं क्लियर करता जाऊं इससे पहले कि मैं आपको अंदर लेकर जाऊंगा। दोस्तों, ये बात अपनी जगह ठीक है कि ये केमिकल सेम को जड़ से उखाड़ता नहीं है। जाहिर है, सेम जड़ से तभी उखड़ेगी जब जहां से पानी आ रहा है वहां की आप ट्रीटमेंट करेंगे। और आपको ये भी बताता चलूं कि अपने इस वॉशरूम के मैंने ऊपर वाले वॉशरूम जहां से पानी आ रहा था, तो ऊपर वाले वॉशरूम में मैंने ट्रीटमेंट की थी ताकि मजीद पानी दीवारों में आना बंद हो। और ये मैं हर क्लाइंट को भी सजेस्ट करता हूँ, आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप इस केमिकल को लगाएं, साथ ही साथ जहां से पानी आ रहा है उसकी रोकथाम के लिए भी बंदोबस्त करें। तो वो मैंने किया था। उसके बाद जो दीवारें गीली थी क्योंकि उनमें नमी आ चुकी हुई थी, अब उसका क्या करता, तो उसके ऊपर मैंने ये केमिकल लगाया था और उसके ऊपर पेंट लगाया था। तो अभी आज 5 महीने हो गए हैं, मैं आपको अंदर ले जाकर दीवार का क्लोजअप भी दिखाऊंगा, मतलब दीवार के बिल्कुल करीब लेकर जाऊंगा कैमरा और फिर आपको दिखाऊंगा। कहने का मकसद ये है कि ये केमिकल सेम को नमूदार नहीं होने देता क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स आपस में इस मजबूती से जुड़ जाते हैं कि वो बीच में से सेम या चूने, वो जो इस तरह से सोल्टिश सी, अब वो झाग सी बन जाती है, उसको बाहर आने नहीं देता ये। तो ये बिल्कुल बिलीव किया जा सकता है कि कोई ऐसा केमिकल है जिसके मॉलिक्यूल्स इतने स्ट्रांग हैं कि वो सेम को बाहर नमूदार नहीं होने देते। हाँ, ये ना मैं दावा करता हूं ना ये सच्चाई है कि ये केमिकल जड़ से सेम को उखाड़ फेंकेगा। इट्स जस्ट लाइक आप अपनी दीवार पर वॉल पैनल्स लगाते हैं सेम को छुपाने के लिए, लेकिन वॉल पैनल्स महंगे पड़ते हैं आपको। उन पर भी अगर आप इसरार करते हैं तो एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि वॉल पैनल्स की क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या प्राइसेस होती हैं। लेकिन क्योंकि मैं अक्सर प्रोजेक्ट्स देखता रहता हूं, तो वॉल पैनल्स भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो वॉल पैनल्स बहुत महंगे पड़ते हैं केमिकल लगा लेने की निस्बत। एक और चीज आपको बताऊं कि क्लाइंट्स पूछते हैं, बिलाल भाई इसकी गारंटी क्या है? तो दोस्तों, मैं उतना ही बताता हूं जितना मैंने खुद एक्सपीरियंस किया होता है, ना ज्यादा ना कम। तो मैं यही कहूंगा कि मैंने इसको इस्तेमाल किया है और मैं मुतमईन हूं या नहीं आप खुद अभी देख लेंगे अंदर जाकर। साथ ही साथ जो क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने ये भेजा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटिस्फाइड है, उन्होंने पॉजिटिव रिव्यूज भी दिए हैं, कुछ ने तो अपनी वीडियोज भी बनाकर मुझे भेजी है। और एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि बिलाल भाई सीओडी कर दें, यानी कैश ऑन डिलीवरी कर दें। तो दोस्तों, कैश ऑन डिलीवरी मैं कर सकता हूं, लेकिन एक कंसर्न होता है कि ये आप लोग खुद भी जानते हैं कि कुछ क्लाइंट्स नॉन सीरियस होते हैं, बस ऐसे ही ऑर्डर प्लेस कर देते हैं कि घर में चीज आएगी, उसके बाद देखेंगे पे करना है या वापस भिजवा देना है पार्सल। अब जब वापस आप भिजवा देते हैं पार्सल, तो होता ये है कि सेंडर को सारी लॉजिस्टिक्स के पैसे पे करने पड़ते हैं, मतलब जो करियर सर्विस होती है जो पार्सल उठाकर क्लाइंट को डिलीवर करती है और फिर नाकाम ही से वापस लेकर आती है, वो पैसे सेंडर को वापस नहीं मिलते। इस वजह से मैं कैश ऑन डिलीवरी सर्विस को प्रमोट नहीं करता। और कोई मसला नहीं है, आप इसके चार्जेस विद डिलीवरी मुझे इजी पैसा करेंगे और आपको नेक्स्ट डे ही मैं इसको शिप कर दूंगा, और आपको साथ में शिपमेंट नंबर, ट्रैकिंग नंबर व्हाट्सएप कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी क्लाइंट को भेजने में कभी कोई मसला पेश नहीं आया। फिर भी अगर आप सीओडी ही करना चाहते हैं तो उसमें मेरी एक शर्त है कि आप 300 रुपीज एक्स्ट्रा पे करेंगे। आपने एक पैकेट मंगवाना है, दो पैकेट या जितने भी आपने पैकेट्स मंगवाने हैं, आप 300 रुपीज मुझे इजी पैसा कर दें। ये कंडीशन मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इस कंडीशन के बाद नॉन सीरियस क्लाइंट्स हट जाएंगे, कोई फालतू में ऑर्डर नहीं करेगा, वही क्लाइंट्स ऑर्डर करेंगे जिन्हें जेन्युइनली प्रोडक्ट चाहिए और जो यूज करना चाहते हैं।
तो अगर आप COD करवाना चाहते हैं तो मैं कैश ऑन डिलीवरी भी कर दूंगा, लेकिन आपको 300 रुपीज मुझे इजी पैसा करने होंगे। उसके लिए आप ऊपर दिए गए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें, तो मैं आपको इजी पैसा नंबर बताऊंगा, उसके ऊपर आप मुझे 300 रुपीज इजी पैसा करेंगे तो मैं आपको कैश ऑन डिलीवरी सर्विस भेजूंगा। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी नहीं करवाते, एडवांस पेमेंट कर देते हैं, तो फिर कोई 300 रुपीज नहीं, आपको जस्ट प्रोडक्ट और डिलीवरी चार्जेस पे करने हैं। तो चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। 3, 2, 1 और देखते हैं 5 महीनों बाद क्या रिजल्ट है। ये है वो केमिकल। ये देखिए। तो दोस्तों ये सारी वो जगह है जिसके ऊपर सेम आई हुई थी। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि जब सेम आई हुई थी तो मेरा बाथरूम कैसा दिखता था। अभी तक मैंने किसी वीडियो में आपको दीवार के बिल्कुल क्लोज जाके नहीं दिखाया, दूर दूर से दिखाया है। अब 5 महीने गुजरने के बाद मैं आपको दीवार बिल्कुल करीब से दिखा रहा हूँ। आप देखें कि सेम का माशाल्लाह नामो निशान भी नहीं है। ये वही दीवारें हैं जिनको देखकर मुझे उलझन होती थी कि मैं समझ नहीं पाता था कि इनका क्या करूँ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। मैं कभी सोचता था कि ऊपर तक टाइलिंग करवा दूं, लेकिन फिर वो नीचे जैसी टाइल्स लगी हुई हैं उनके साथ की टाइल्स ढूंढना भी मुश्किल था। अलग से टाइल्स लगवा दो तो फिर और ही डिज़ाइन बन जाता है। वॉल पैनल्स भी एक्सपेंसिव पड़ते थे। तो ये सबसे सस्ता सॉल्यूशन था और इफ़ेक्टिव कितना है वो आपके सामने है। मैंने आपको सारी दीवारें बिल्कुल करीब से दिखाई हैं। ये सारा एरिया अफेक्टेड था और अभी देखें ऐसे है जैसे बिल्कुल नया बाथरूम है। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा इस प्रोडक्ट के बारे में भी बता देना चाहता हूँ कि ये क्या कहते हैं, कि किस तरह से ये प्रोडक्ट काम करती है। लस्टर कुप्रांट इंसुलेशन 2 सिस्टम मटेरियल है। ये खूबियों का हामिल है। जदीद टेक्नोलॉजी का एक मुकम्मल इंपोर्टेड वाटरप्रूफिंग मटेरियल है। इसके अंदर शीट में अनगिनत गैस के मॉलिक्यूल कैद हो जाते हैं जो आपस में कमाल मजबूती से मिल जाते हैं। इस मिलाप को साख्ती एतबार से क्लोज्ड सेल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें से ना तो पानी गुजर सकता है ना हवा, इसी वजह से सेम नज़र नहीं आती। फिर आइंदा H+OH में तब्दील कर देते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स कुछ साइंटिफिक चीज़ है। इसके मुक़य्यद हो जाने की वजह से इसकी गैर इत्तसाली खूबियाँ यानी इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ और भी ज़्यादा हो जाती हैं। वाटरप्रूफ होने की वजह से ये एक मुकम्मल इंसुलेशन मटेरियल बन जाता है जिससे आपके खूबसूरत घर पर आसाइश, आरामदेह, कम खर्च और शदीद मौसमी असरात से महफूज रहते हैं। और घर की छतों और अंदरूनी बैरूनी दीवारों की नई या पुरानी सेम श्योर ड्राई वॉल कैंसर नमी सैलाब के लिए काबिल एतमाद और मुकम्मल तौर पर मौसर है, क्योंकि ये एक हाई वाटर प्रूफ प्लस मटेरियल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत जल्द मैं ऐसी वीडियोस का सिलसिला भी शुरू करने वाला हूँ कि इंडिविजुअल क्लाइंट्स के घरों में जाकर खुद केमिकल लगाकर और वीडियोस बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस बनाऊं तो नीचे कमेंट करें। अगर ज्यादा लोगों ने स्टार किया तभी वो वीडियोस बनाऊंगा। देखते रहिए बिलाल जफर शो। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।